तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगिनर्स यानी कि UFB का पार्ट 25 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं दो अक्षर से मिलकर बने ओ मात्रा वाले उर्दू के शब्द। देखिए अभी तक आप लोग अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ मात्रा तक के उर्दू के शब्दों को लिखना और पढ़ना ऑलरेडी सीख चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये हर एक चीज़ बता दी हूँ कि मतलब ए तक के मात्रा वाले शब्दों को उर्दू में कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए। अगर आप लोग पार्ट वन से देखते आ रहे हैं तो आप लोग हर एक चीज़ जानते हैं। ठीक, तो अभी तक आप लोग ये सीख चुके हैं कि ए मात्रा तक के उर्दू के शब्दों को कैसे लिखा जाए और कैसे पढ़ा जाए, ये हर एक चीज़। अब बात आती है कि ओ मात्रा वाले शब्दों को हम लोग उर्दू में कैसे लिखेंगे, और कहीं पर भी ओ मात्रा वाला शब्द लिखा हुआ है या फिर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है ओ मात्रा वाला, तो फिर हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल्ली कि ओ मात्रा वाले शब्दों को कैसे लिखें, हम लोग कैसे पढ़ें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है ना कि उर्दू के किसी भी अक्षर को, किसी भी हर्फ को ओ की मात्रा में कैसे बदला जाता है। बदलने का ट्रिक आप लोगों को पता चल गया ना, तो बस आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ओ मात्रा वाला शब्द आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बस आप लोगों को ट्रिक मालूम रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो ट्रिक समझते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिसका यूज़ करके हम किसी भी उर्दू के अक्षर को ओ की मात्रा में बदल सकते हैं। ठीक, तो देखिए मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अलिफ से आ होता है ना, और अलिफ के ऊपर पेश लगा दो इस तरह, तो ये पढ़ा जाता है छोटा वाला ऊ। ये क्या हो गया, छोटा वाला ऊ, यानी कि अलिफ के ऊपर पेश लगा दिया जाता है तो ये छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है। अब आप इसको छोटा वाला ऊ पढ़ेंगे, और इसी तरह उर्दू का कोई भी अक्षर है अगर उसको छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदलना है तो उसके उस अक्षर के ऊपर भी इसी तरह पेश लगा देना होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कू लिखना है तो काफ से क होता है और काफ के ऊपर पेश लगा दीजिए कू हो जाएगा। तू लिखना है ते से त होता है, ते के ऊपर पेश लगा दीजिए तू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जानते हैं। उसके बाद से अलिफ के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है आप लोग का बड़ा वाला ऊ। इसको अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बड़ा वाला ऊ। अलिफ के ऊपर इसी तरह पेश लगा दीजिए और वाव जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है बड़ा वाला ऊ। और इसी तरह किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर भी पेश लगाकर और वाव जोड़ दीजिए तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। ये आप लोग पहले से जानते हैं क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक, अब हम लोग को नई चीज़ जो सीखनी है ना वो ये है कि किसी भी अक्षर को कैसे ओ की मात्रा में बदलना सीखे। तो देखिए जिस तरह यहाँ पर अलिफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दे रहे थे ना तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जा रहा था, उसी तरह अलिफ से आ होता है और अलिफ के ऊपर बिल्कुल उसी तरह पेश लगाकर और वाव जोड़ दीजिए तो ये ओ पढ़ा जाएगा, ओ की मात्रा में बदल जाएगा। और इसी तरह किसी भी अक्षर को, उर्दू का कोई भी हर्फ उठा लीजिए, उर्दू के किसी भी अक्षर को अगर ओ की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और उसमें वाव जोड़ दीजिए, वो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाएगा। अब मैं जानती हूँ कि आप लोग के माइंड में कौन सा सवाल खटक रहा है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि अलिफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है तो ये तो बड़ा वाला ऊ पढ़ा जाता है, तो अब क्या हम लोग इसको ओ भी पढ़े? तो जी बिल्कुल, आप इसको ओ भी पढ़ेंगे। इसको अगर मैं एक जगह लिख दूँ ऐसे तो आप इसको बड़ा वाला ऊ भी पढ़ सकते हैं और इसको ओ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसी तरह उर्दू में होता है। ठीक, मान लीजिए आप लोगों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, काफ से क होता है और क्या करते हैं हम लोग ओ की मात्रा में बदलने के लिए, ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देते हैं तो ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो काफ से क हो जा रहा था, अब इसको को बनाने के लिए काफ के ऊपर इसी तरह पेश लगाकर और इसमें वाव जोड़ दीजिए तो ये को हो जाएगा। अभी जुड़ा नहीं है, जोड़िए, काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन हम लोग मन में मानेंगे। मैं आप लोग को बार बार बताई हूँ ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर पेश है लेकिन हम लोग मन में मान रहे हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक, और उसके बाद से ये वाव जो है ना उसको ले जाकर काफ में ऐसे जोड़ दीजिए तो काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो जाएगा आप लोगों का को। लेकिन अब आप लोग ये कहेंगे क्या हम इसको कू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है तो बड़ा वाला ऊ भी तो पढ़ा जाता है, तो क्या हम इसको कू पढ़ सकते हैं? तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, कू भी पढ़ सकते हैं और को भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग कहेंगे कि कब हम इसको को पढ़ें और कब कू पढ़ें, तो इसका भी मैं आंसर मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मैं आप लोगों को एग्जांपल लेकर समझाती हूँ, तब आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक मिनट, देखिए मैं यहाँ पर एक उर्दू का लफ्ज़ लिख दी जिसमें क्या है, रे है, वाव है और जे है। आप लोगों को बताना है कि मतलब आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको बता सकते हैं कि क्या पढ़ा जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए रे है, वाव और जे, रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर आप इसको
बड़ा वाला उ की मात्रा में भी पढ़ सकते हैं और ओ की मात्रा में भी पढ़ सकते हैं। तो सोचिए, सबसे पहले बड़ा वाला उ पढ़कर देखिए। रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो जाएगा रू, और जे से ज, रूज। तो अपने माइंड में सोचिए कि रूज का कोई अर्थ होता है, कोई मतलब होता है? तो कोई अर्थ नहीं होता है, रोज़ का कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी कि आप इसको बड़ा वाला ऊ की मात्रा में नहीं पढ़ेंगे, रोज़ नहीं पढ़ेंगे। अब ओ की मात्रा में पढ़कर देखिए। रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो जाएगा रो, और जे से ज, रोज़। रोज़ का कोई अर्थ होता है माइंड में सोचिए तो? हाँ बिल्कुल होता है, रोज़ का अर्थ होता है डेली, प्रतिदिन। यानी कि आप इसको क्या पढ़ेंगे? रोज़ पढ़ेंगे, ओ की मात्रा में पढ़ेंगे। अगर ऊ की मात्रा में पढ़ रहे हैं तो इस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको बड़ा वाला ऊ की मात्रा में नहीं पढ़ें, आप छोड़ दिए। ओ की मात्रा में जब इसको पढ़े तो इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया, रोज़, यानी कि डेली, प्रतिदिन। यानी कि इसको अब क्या पढ़ेंगे आप लोग? ओ की मात्रा में ही पढ़ेंगे, रोज़। तो इस तरह आप लोगों को अपने माइंड को यूज़ करना है, और किसी भी शब्द में अगर अक्षर के ऊपर पेश और वाव जुड़ा हुआ है तो आप लोगों को उसको दोनों पढ़कर देखना है। बड़ा वाला ऊ की मात्रा में भी पढ़कर देखना है और ओ की मात्रा में भी पढ़कर देखना है। अगर बड़ा वाला ऊ की मात्रा में पढ़ने से उस शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है तो उसको बड़ा वाला ऊ की मात्रा में ही पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि दूध, दूध में ऐसे लिखा जाता है ना, दूध, ठीक है। तो दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो जाएगा, अगर आप इसको ओ की मात्रा में पढ़ते हैं, इसको दू भी पढ़ सकते हैं और दो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर सबसे पहले दू बना दीजिए, ऊ की मात्रा में पढ़ लीजिए दू, और ये है दाल में एच जुड़कर, यानी कि हे जुड़कर ध, तो दूध। आप इसको दूध पढ़ ले रहे हैं ना, लेकिन अगर इसको ओ की मात्रा में पढ़ेंगे तो देखिए शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर दो, ओ की मात्रा में पढ़ रहे तो दो और ध, दोध। दोध का कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। तो आप इसको ओ की मात्रा में नहीं पढ़े, आप इसको ऊ की मात्रा में पढ़े तो इसका अर्थ समझ में आ गया। तो इस तरह आप लोग को किसी भी शब्द को ध्यान से देखना है, ऊ की मात्रा में, बड़ा वाला ऊ की मात्रा में पढ़ना है। तो अगर उस शब्द का अर्थ समझ में आता है तो उसको बड़ा वाला ऊ की मात्रा में ही पढ़िए, और अगर ओ की मात्रा में पढ़ रहे हैं और ओ की मात्रा में पढ़ने से उस शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है तो उसको ओ की मात्रा में ही पढ़िए, ऊ की मात्रा में मत पढ़िए। तो इस तरह अपने माइंड का यूज़ करना है। लेकिन हाँ, कोई कोई ऐसा शब्द आ जाता है ना जिसको अगर बड़ा वाला ऊ की मात्रा में पढ़ो तो भी अर्थ समझ में आता है, और ऊ की मात्रा में पढ़ो तो भी उस शब्द का अर्थ समझ में आता है। जैसे कि एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये बताइए तो ये क्या पढ़ा जाएगा, फटाफट देखिए। जिम है, जिम से ज, और जिम में एच जुड़ा हुआ है। जिस तरह आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे जे से ज और जे एच से झ, जे में एच जोड़कर जे एच से ज, उसी तरह जिम से ज और जिम में एच यानी कि हे जुड़ा है तो जिम में एच जुड़कर ये हो जाएगा आप लोग का झ, ठीक। और वाव जुड़ा हुआ है इसी में, और लाम, ये लाम है और इसमें अलिफ है, लाम में अलिफ जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसका, इसको क्या पढ़ा जाएगा? झ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर अगर आप इसको बड़ा वाला ऊ की मात्रा में पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा झू, बड़ा वाला झू, और लाम में अलिफ जुड़कर ला, तो क्या पढ़ा जाएगा? झूला। झूला का अर्थ होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ, झूलने वाला जो झूला होता है, ठीक है। तो झूला, इसको क्या पढ़ लेंगे आप लोग? झूला, ठीक है। लेकिन अब जरा इसको बड़ा वाला ओ की मात्रा में पढ़कर तो देखिए। झ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये ओ की मात्रा में पढ़ा जाएगा झो, और लाम में अलिफ जुड़कर ला, तो झोला का भी अर्थ होता है। झोला पढ़ा जाएगा, झोला का अर्थ थैला, ठीक। तो इसको आप लोग क्या पढ़ सकते हैं? झोला भी पढ़ सकते हैं। तो समझ में आया? ये एक ऐसा शब्द है जिसको अगर आप बड़ा वाला ऊ की मात्रा में पढ़ते हो तो भी इसका अर्थ समझ में आता है, और अगर ओ की मात्रा में पढ़ते हो तो भी इस शब्द का अर्थ समझ में आता है। तो अब आप लोग का यही सवाल है ना कि कब हम इसको झूला पढ़ेंगे और कब झोला पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों पढ़ सकते हैं, तो कब हम इसको क्या पढ़ेंगे? तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। व्हाट विल यू से? इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कब आप इसको झूला पढ़ेंगे, कब झोला पढ़ेंगे, ये स्थिति पर निर्भर करता है। अगर स्थिति हो, कंडीशन हो झूला बोलने की, तब आप इसको झूला ही ना पढ़ेंगे और झूला ही ना बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं झूला पर बैठूंगी, तो उस वक्त मैं इसको झूला ही पढ़ूंगी और झूला ही बोलूंगी, ऐसे थोड़ा ना बोलूंगी मैं झोला पर बैठूंगी। और अगर सिचुएशन हो झोला बोलने की, इसे झोला में रख दो, तब आप उसको झोला ही बोलेंगे उस वक्त और झोला ही पढ़ेंगे, है ना। ऐसे थोड़ा बोलेंगे इसे झूला में रख दो, इसे झोला में रख दो ले जाकर। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और उसके साथ साथ आगे पीछे आने वाले लफ्ज़ों पर। वही वाला एग्जांपल लेती हूँ, मैं झूला पर बैठूंगी, तो इससे
अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं झोला पर बैठूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर झोला नहीं झूला रहना चाहिए। क्यों पता चला? क्योंकि आगे पीछे आने वाला जो लफ्ज़ है ना, मैं पर बैठूंगी, इससे आप लोगों को पता चला कि झोला नहीं झूला रहना चाहिए। तब सेंटेंस जाकर क्लियर होगा, अर्थ समझ में आएगा कि मैं झूला पर बैठूंगी। तो आगे पीछे आने वाले लफ्ज़ों पर भी डिपेंड करता है कि किसी भी शब्द को क्या पढ़ा जाए। एक अर्थ मिल जाता है आगे पीछे आने वाले शब्दों से, पता चल जाता है कि उस शब्द को क्या पढ़ा जाए, ठीक है। और उसके बाद से स्थिति पर तो निर्भर करता ही है, अगर कंडीशन हो, स्थिति हो, झूला बोलने की जब झूला ही बोलिए, अगर कंडीशन हो झोला बोलने की झोला पढ़िए। तो इस तरह आप लोगों को दिमाग लगाना है, माइंड यूज़ करना है कि किसी भी शब्द को क्या पढ़ा जाए। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया ना यहाँ तक, तो बस इन सभी शब्दों को जो इतना लंबा चौड़ा मैं लिखी हूँ ना, इसको आप आसानी से उर्दू में लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड मिटाती हूँ और तब मैं इन सभी शब्दों को एक एक करके आप लोगों को लिख कर बताती हूँ। हाँ, तो देखिए सबसे पहला शब्द है मोदी। अभी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो चलिए उन्हीं के नाम से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को मोदी लिखना है तो कैसे लिखेंगे उर्दू में? तो मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, किसी भी शब्द का सबसे पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर क्या है? मू। तो सोचिए सबसे पहले कि मौ को उर्दू में क्या कहते हैं? मौ को उर्दू में मीम कहते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया आप लोगों का मीम से मौ, लेकिन यहाँ पर क्या है? मू, ओ की मात्रा है मू में, ठीक। तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताई, किसी भी अक्षर को ओ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और उसमें वाव जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो मीम के ऊपर पेश लगाकर उसमें वाव जोड़ दिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का मो। और उसके बाद से दी है। दा को उर्दू में क्या कहते हैं? दाल कहते हैं। लिख दीजिए दाल से तो दा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? दी है, ई की मात्रा में है दाल। तो देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा में है, तो दाल में आप लोगों को दिखाई देगा ये जो दी है ना, इसमें बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम किसी भी उर्दू के अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और उसमें छोटी ये जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है। तो दाल के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दिए तो वो अक्षर ये क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा, यानी कि बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। अब इन सबको जोड़िए, मीम का आधा भाग उठा लेना है, ठीक, उठा लीजिए फटाफट। मीम के ऊपर क्या है? पेश है, लेकिन हम लोग मन में मानेंगे, लिखेंगे नहीं, और ये जो वाव है जाकर इसी मीम में जुड़ जाएगा। तो मीम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया आप लोगों का मो। और उसके बाद से ये जो दाल है ना, जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। और दाल के नीचे जेर है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये छोटी है, ले जाकर दाल में ऐसे चिपका दीजिए। तो दाल के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर ये हो जाएगा दी। तो मो और दी, मोदी। देखिए कितना आसानी से हम लोग मोदी लिख लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नोट। नोट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नोट में सबसे पहला अक्षर है नो, तो सोचिए नौ को उर्दू में क्या कहते हैं? तो नून कहते हैं, लिख दीजिए। और नो ओ की मात्रा में बदलने के लिए नून के ऊपर भी पेश लगाकर हम लोग वाव जोड़ देंगे तो ये ओ की मात्रा यानी कि नो में बदल जाएगा। उसके बाद से ट है, ट को उर्दू में क्या कहते हैं? टे कहते हैं, लिख दीजिए, टे से ट हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए आसानी से, जुड़कर आसानी से आप लोग नोट लिख लेंगे। तो जोड़िए, नून का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, नून का आधा भाग उठा लिए, नून के ऊपर क्या है? पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो वाव है ये नून में जाकर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। तो नून के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया नो, और ये जो टे है पूरा का पूरा ले जाकर इसी में चिपका दीजिए, तो टे से ट, तो ये हो गया नो और ट, नोट। नोट भी लिख दिए। देखिए अगला शब्द है चलो। चलो में सबसे पहला अक्षर है च। च को उर्दू में चे कहते हैं, लिख दीजिए, चे से च हो गया। उसके बाद से लो है, लॉ को उर्दू में लाम कहते हैं, लाम से तो लॉ हो गया, लेकिन लो ओ की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लाम के ऊपर पेश लगाकर और इसमें वाव जोड़ देंगे तो ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा, लो हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए फटाफट। चे का आधा भाग उठा लेना है आप लोग को ऐसे, 50% भाग उठा लिए, ये हो गया चे से च। उसके बाद से लाम का भी आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, है ना, और लाम के ऊपर पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है आकर इसी लाम में ऐसे जुड़ जाएगा। तो देखिए लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो, तो च और लो, चलो। कितना आसानी से चलो लिख लिए, ठीक। तो इन सभी शब्दों को आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से खुद से उर्दू में लिख पाएंगे। बस मेरे लिखने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, और फिर मैं आप लोग को लिख कर तो बता ही रही हूँ, तो मिला लीजिए कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं। कॉपी कलम लेकर बैठने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोगों का माइंड ही बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, तो माइंड में ही सोच लीजिए कि हाँ चोर है, तो चोर को ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को लिखकर बताऊंगी तो मिला लीजिए कि चोर आप लोग सही सोचे थे कि नहीं, आप लोग इस तरह लिखा जाएगा ये आप लोग सही सोचे थे कि नहीं, अब माइंड में ही सोच लीजिए। देखिए चोर, तो चोर में सबसे पहला अक्षर क्या है? चो। चौ को उर्दू में चे कहते हैं, चे से तो चौ हो गया, लेकिन
चो बनाने के लिए ओ की मात्रा में बदलने के लिए इस चे के ऊपर पेश लगाकर इसमें वाव जोड़ देंगे तो चो हो जाएगा। उसके बाद से रॉ है, रॉ को उर्दू में क्या कहते हैं रे। अब इन सबको जोड़ देना है, चे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, उठा लीजिए फटाफट। चे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है जाकर इसी चे में जुड़ जाएगा। तो चे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर चो, और ये जो रे है ले जाकर चिपका दीजिए के पूरा का पूरा, ठीक। तो रे से रा, तो चो और चोर, चोर भी लिख लिए। आगे बढ़ते हैं मोती, मोती में सबसे पहला अक्षर क्या है, मो। मो को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से तो मा हो गया। ओ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मीम के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देंगे तो ये मो हो जाएगा। उसके बाद से ती है, तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, ती है, यानी कि ई की मात्रा में है। तो देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा में है, तो ती में जो है ना बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर छोटी ए जोड़ देते हैं तो वो अक्षर बड़ी वाली ई की तरह ई की मात्रा में बदल जाता है, ठीक। तो अब इन सबको जोड़िए, मीम का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, बिंदु वाला भाग, ठीक। मीम के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है इसी मीम में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया मीम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर मो, और ते का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को ऐसे, और ते के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो छोटी ये है इसी ते में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। ये हो गया ते के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर बड़ी वाली ती, तो मो और ती, मोती। आगे बढ़ते हैं सोना, सोना में सबसे पहला अक्षर क्या है, सो। सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से तो सौ हो गया, और इसको सो ओ की मात्रा में बदलने के लिए सीन के ऊपर पेश लगाकर इसमें वाव जोड़ देंगे, सो हो जाएगा। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून, और ना बनाने के लिए इसी नून में अलिफ जोड़ दीजिए। सीन का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट ऐसे, अब जोड़ना है ना इन सबको, तो सीन का आधा भाग ऐसे उठा लीजिए, उठा लिए 50% भाग, और सीन के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो वाव है ये आकर सीन में ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सीन के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया सो, और नून का आधा भाग ऐसे आप लोग को उठा लेना है और नून में अलिफ जोड़ देना है तो ना हो जाएगा, तो सो और ना, सोना। आगे बढ़ते हैं धोना, जिस तरह सोना लिखे उस तरह धोना भी आप लोग लिख लेंगे, बस यहाँ पर ध आ गया है। ध को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह डी से द और डी में एच जोड़ देते हैं डी एच से ध, उसी तरह उर्दू में दाल से द होता है और दाल में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, इसको एच कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में है, ठीक है। तो दाल में एच यानी कि है जोड़कर ये हो जाता है ध, ठीक, ध हो गया। लेकिन इसको धो ओ की मात्रा में बदलने के लिए इसके ऊपर भी पेश लगाकर और वाह जोड़ देंगे तो ये धो हो जाएगा। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देना है, जिस तरह ये ध लिखा है ना उसी तरह लिख देना है आप लोगों को ऐसे, ठीक। ध के ऊपर क्या है, पेश है, बस हम लोग लिखेंगे नहीं मन में मानेंगे, और ये जो वाव है इसी ध में आकर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। तो ध के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया धो, और फिर ये नून का आधा भाग उठा लेना है और इसी में अलिफ जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा, ठीक है। तो धो और ना, धोना। आगे बढ़ते हैं करो, ये तो लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क है सबसे पहला अक्षर, तो क को उर्दू में काफ कहते हैं, लिख दीजिए, काफ से क हो गया। उसके बाद से रो है, रो को उर्दू में रे कहते हैं, और रो बनाने के लिए रे के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ देंगे तो रो हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान, काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, काफ से क हो गया, और इसी में ये जो रे है ना पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, और रे के ऊपर क्या है, पेश है, और ये जो हम लोग लिखेंगे नहीं मन में मानेंगे, और ये जो वाव है इसी में ले जाकर चिपका दीजिए रे में, ठीक है। तो क और रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो, तो क और रो, करो। उसी तरह मरो भी लिख सकते हैं, जिस तरह करो लिखे, मीम से मा होता है ऐसे, और फिर रे से रा, और रो बनाने के लिए रे के ऊपर पेश जोड़कर इसमें वाव जोड़ दीजिए। मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, मीम से मा हो गया, और ये जो रे है इसी मीम में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए, और रे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो वाव है जाकर इसी रे में जुड़ जाएगा। तो देखिए माँ और रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो, तो माँ और रो, मरो। आगे बढ़ते हैं धोती, धोती लिखना है कैसे लिखेंगे, ध है सबसे पहले, धो है ना, तो ध इस तरह लिखा जाता है, मैं आप लोग को अभी बताई, तो लिख दीजिए, ये हो गया ध। लेकिन धो बनाने के लिए इस ध के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देंगे तो धो हो जाएगा। उसके बाद से ती है, तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, और ती बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है ती में, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ती यानी कि बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इस ते के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे तो ये बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। अब इन सबको जोड़ दीजिए फटाफट, जिस तरह ये ध लिखा है उसी तरह लिख दीजिए,
ठीक, ये लिख दिए। ध के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो वाव है जाकर इसी ध में ऐसे जुड़ जाएगा। तो ध के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया आप लोग का धो, और ते का आप लोगों को आधा भाग उठा लेना है ऐसे। ते के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो छोटी है ले जाकर इसी में जोड़ दीजिए। तो ते के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर ती, बड़ी वाली ती, तो धो और ती, धोती। आगे बढ़ते हैं पारो। पारो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से फिल्म का ये किरदार है, पारो जिसमें रहती है, आई थिंक वो फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, पारो कैसे लिखेंगे, पा, पा को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, ठीक। और पा बनाने के लिए पे में अलिफ जोड़ दीजिए, उसके बाद से रो है, रो को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। इसको ओ की मात्रा में बदलने के लिए रे के ऊपर पेश लगा कर और इसमें वाव जोड़ दीजिए, रो हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को, पे का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है ऐसे, पे में अलिफ जोड़ देंगे तो पा हो जाएगा, पे से पा हो जा रहा था और पे में अलिफ जोड़ दिए तो पा, और ये जो रे है ना जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, और रे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, लिखेंगे नहीं, और ये जो वाव है इसी में ले जाकर चिपका दीजिए। तो रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो, तो पा और रो, पारो। कितना आसानी से पारो लिख लिए। आगे बढ़ते हैं खेलो। खेलों में सबसे पहला अक्षर क्या है, खे। ख को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह के से क और के एच से ख, उसी तरह उर्दू में काफ से क होता है, और इसी काफ के आधे भाग में एच यानी कि हे ले जाकर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है आप लोगों का ख। ठीक, ख हो गया, लेकिन हमको बनाना क्या है, खे, ए की मात्रा में है, तो इस ख को खे, ए की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी भी उर्दू के अक्षर को ए की मात्रा में बदलने के लिए उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर और उसमें बड़ी ये जोड़ देते हैं। तो इस खे के नीचे जेर लगाकर इसमें बड़ी ये जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का खे। और उसके बाद से लो है, लो उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, और ओ की मात्रा में बदलने के लिए इस लाम के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दीजिए, तो लो हो जाएगा। अब इन सब को जोड़िए, जिस तरह ये ख लिखा है ना उसी तरह लिख दीजिए ऐसे। ठीक, लिख दिए, और ख के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो बड़ी है अपना शक्ल चेंज करेगी और इस तरह शक्ल बनाकर आकर ख में जुड़ जाएगी। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बड़ी है किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज कर लेती है और ऐसा शक्ल बना लेती है। ठीक, तो ख के नीचे जेर और बड़ी जुड़कर ये हो गया खे, और उसके बाद से लाम का आधा भाग इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। ठीक, ये हो गया लाम का आधा भाग, और लाम के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो वाव है इसी लाम में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो, तो खे और लो, खेलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं रखो। रखो में सबसे पहला अक्षर क्या है, र। को उर्दू में रे कहते हैं, रे से र हो गया, और उसके बाद से क्या है, खो है। ख को उर्दू में किस तरह लिखा जाता है, ये तो मैं आप लोगों को भी बताई ना, इस तरह। ठीक, तो इस तरह लिख दीजिए, ये हो गया आप लोगों का ख, लेकिन इसको खो बनाना है ना, ओ की मात्रा में बदलना है, तो इसी ख के ऊपर क्या लगा दीजिए, पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, तो ये खो हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, जिस तरह ये लिखा है ना रे, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर भी लिख देना है, रे से रा हो गया, उसके बाद से ये जिस तरह ख लिखा है बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को भी लिख देना है। ठीक, और ख के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, और बस ये जो वाव है ले जाकर इसी ख में जोड़ दीजिए। ठीक, तो ख के ऊपर पेश और वाव जुड़कर खो, तो र और खो, रखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं रोगी। रोगी लिखना बहुत ज़्यादा आसान है, देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, रो। र को उर्दू में रे कहते हैं, रे से तो रा हो गया, रो बनाने के लिए रे के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए, उसके बाद से क्या है, गी। ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, बड़ी वाली ई की मात्रा है गी में, तो गाफ के नीचे जेर लगाकर और इसमें छोटी ये जोड़ दीजिए, गी हो जाएगा, बड़ी वाली गी की मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़िए, रे जिस तरह लिखा है उसी तरह रहने दीजिए, रे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है इसी रे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, उसके बाद से गाफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे। एक मिनट, अच्छा से मैं इसको लिख दूँ। हाँ, ऐसे गाफ का आधा भाग उठा लिया ऐसे। ठीक, और गाफ के इस आधे भाग में, गाफ के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग मन में मानेंगे, और ये जो छोटी है इसी गाफ के आधे भाग में ऐसे आकर जुड़ जाएगी। ठीक, तो गाफ के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर बड़ी वाली गी, तो रो और गी, रोगी, रोगी भी लिख लिए। देखिए कितना आसानी से हम लोग इतने सारे शब्दों को लिख लिए, इन सभी शब्दों को फटाफट करूँगी। ठीक, ये अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ, और आप लोग बस माइंड में सोचते चलिए कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे लिखा जाना चाहिए, और मैं बताते चल रही हूँ फटाफट। ठीक, तो देखिए सबसे पहला अक्षर है गोल। ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, लिख दीजिए, गाफ से ग हो गया, गो यानी कि ओ की मात्रा बदलने के लिए गाफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, गो हो जाएगा। उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए, गाफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, और उसके बाद से गाफ के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है गाफ में आकर ऐसे जुड़ जाएगा, तो गाफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर गो, और लाम जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, लाम से ला, तो गोल हो गया। आगे बढ़ते हैं मांगो। अगर आप लोग ऐसा ही सोचे थे
तो बिल्कुल आप लोग सही सोचे हैं। आगे बढ़ते हैं, मांगो। मांगो में सबसे पहला अक्षर है माँ, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, मीम से तो माँ हो गया। माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, ऊपर चांद वाला ये बिंदु है, ठीक है, ऊपर चांद है और उसके बाद से बिंदु है, तो इस नाव को भी हम लोग उर्दू में नून ही कहते हैं, ठीक है। ये चांद वाला ना जो है ना, इसको भी उर्दू में नून ही कहते हैं। उसके बाद से गो है, गो को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, और गाफ से गा हो गया। गो बनाने के लिए गाफ के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़िए, मीम का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है, उठा लीजिए, मीम में अलिफ जोड़ दीजिए, माँ हो जाएगा। उसके बाद से ये नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक है, और इसी में ये गाफ का आधा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक। और गाफ के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है ले जाकर गाफ में ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया नून से ये ऊपर चांद वाला न, ठीक, और गाफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर गो, तो मांगो, मांगो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हटो। हा है सबसे पहला अक्षर, हा को उर्दू में हे कहते हैं। उसके बाद से टो है, टॉ को उर्दू में टे कहते हैं। टो बनाने के लिए टे के ऊपर पेश और वाव जोड़ दीजिए, ठीक। हे आप लोग जानते हैं किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, ठीक, ऐसा। तो ये हो गया हे से हा, और उसके बाद से टे का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है ऐसे, बस ये जो वाव है टे में जाकर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। तो टे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर टो, ह और टो, हटो। आगे बढ़ते हैं, थारो। थारो में सबसे पहला अक्षर है था। था को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह टी से टा और टी एच से था, उसी तरह उर्दू में टे से त और इसी टे का आधा भाग मिटाकर और इसमें एच जोड़ देते हैं, हे, तो इसको बोला जाता है थ। थ हो गया, लेकिन इसको था बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से रो है, रो को उर्दू में रे कहते हैं। रो बनाने के लिए रे के ऊपर पेश और इसमें वाव जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए फटाफट, आप लोग थारो भी लिख लेंगे, जिस तरह ये था लिखा है उसी तरह लिख दीजिए ऐसे, ठीक, और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए, था हो जाएगा। जिस तरह रे लिखा है उसी तरह आप लोग को लिख देना है, रे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो वाव है इसी रे में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो रे के ऊपर पेश और वाव जुड़ कर रो, था और रो, थारो, ठीक है। आगे बढ़ते, इसको थारो भी पढ़ सकते हैं, थारो और थारू दोनों पढ़ सकते हैं। रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो भी पढ़ सकते हैं, और रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रू भी पढ़ सकते हैं। थारो और थारू दोनों पढ़ सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सिचुएशन हो थारो बोलने की, जब तब थारो बोलिएगा, थारू बोलने की सिचुएशन हो थारू बोलिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, होती। होती में सबसे पहला अक्षर हो। हा को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, और इसको हो बनाने के लिए, हे से तो हा हो गया, हो बनाने के लिए हे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर हो जाएगा हो, और उसके बाद से ती। तो को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, और ती बनाने के लिए बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इस ते के नीचे जेड लगाकर और छोटी ए जोड़ देंगे। उसके बाद से अब इन सबको जोड़ दीजिए, हे आप लोग जानते हैं किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है। हे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है इसी हे में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो हे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो गया हो, और ते का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है। ते के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो छोटी है इसी ते में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक। तो ते के नीचे जेर और छोटी जुड़ कर ती, हो और ती, होती, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जोगी। जोगी में सबसे पहला अक्षर क्या है, जो। जो को उर्दू में जिम कहते हैं, जिम से जो हो गया। जो बनाने के लिए जिम के ऊपर पेश और वाव लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद से गी है, गा को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, और गाफ देखिए गी है, कौन से वाली ई की मात्रा है, बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए गाफ के नीचे जेर लगाकर इसमें छोटी ए जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए फटाफट, जिम का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है। जिम के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है इसी जिम में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा जिम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर जो, और गाफ का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और गाफ के नीचे क्या है, जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो छोटी है अपना शक्ल चेंज करके इसी गाफ में आकर ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक। तो जो हो गया और गाफ के नीचे जेर जुड़कर, और ग्राफ के नीचे जेर और छोटी जुड़कर गी, जो और गी, जोगी। आगे बढ़ते हैं, टोली। टोली में सबसे पहला अक्षर क्या है, टो। टा को उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं। टे से टा हो गया, लेकिन टो बनाने के लिए टे के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद से ली है, ला को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। ली बनाने के लिए बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए लाम के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन सबको जोड़िए, टे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे। टे के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है टे में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। टे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर टो, और उसके बाद से लाम का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है। लाम के नीचे जेर है, बस ये जो छोटी है ले जाकर लाम में चिपका दीजिए ऐसे। तो लाम के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर ली, टो और ली, टोली। आगे बढ़ते हैं, रटो। रटो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रे से रा होता है, उसके बाद से टो है। टॉक उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं। टो बनाने के लिए पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए फटाफट, जिस तरह रे लिखा है ना उसी तरह लिख दीजिए, और टे का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है। टे के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है ले जाकर टे में जोड़ दीजिए। तो टे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर टो, रा और टो, रटो। आगे बढ़ते हैं, चोटी। चो है सबसे पहला अक्षर, तो चौक उर्दू में क्या कहते हैं, चे कहते हैं। लिख दीजिए फटाफट, चे से चा हो गया, चो बनाने के लिए पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, ठीक। और टी है, टॉक उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं। बड़ी वाली टी यानी की मात्रा में बदलने के लिए इस टे के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, है ना। और चे का आधा भाग ऐसे फटाफट उठाकर, चे के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है इसी
चेम्याकर से जुड़ जाएगा। ठीक, तो चे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर चो, और टे का आप लोगों को आधा भाग उठा लेना है ऐसे। टे के नीचे जेर है, बस ये जो छोटी है इस टेम्याकर से जुड़ जाएगी। तो टे के नीचे जेर और छोटी ए जुड़कर टी, चो और टी, चोटी। आगे बढ़ते हैं डोर। डोर में सबसे पहला अक्षर डो, डो को उर्दू में डाल कहते हैं, और ओ की मात्रा में बदलने के लिए डाल के ऊपर पेश लगाकर और उसमें वाव जोड़ दीजिए, डो हो जाएगा। रॉ है, रॉ को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, जिस तरह डाल लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, बस ऊपर पेश है, हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, और इसमें वाव आकर चिपक जाएगा। तो डाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर डो और रे से रॉ, डोर। आगे बढ़ते हैं धोबी। यहाँ पर मैं बताई ना, ध को उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए ध, और उसके बाद से धो बनाने के लिए दाल के ध के ऊपर इसी ध के ऊपर पेश लगाकर और वाह जोड़ दीजिए, धो हो जाएगा। उसके बाद से बी है, बॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बी बनाने के लिए बड़ी वाली बी ई की मात्रा में बदलने के लिए इस बे के नीचे जेर लगाकर और इसमें छोटी ए जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोग को, जिस तरह ध लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ठीक है। और ध के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है जाकर इसी ध में जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा धो, और उसके बाद से बे का आप लोग को आधा भाग उठाकर और इसी में बे के नीचे क्या है, जेर है, बस इसी में आप लोगों को छोटी ए ले जाकर जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा बे के नीचे देर और छुटिया जुड़कर बी, धो और बी, धो बी। आगे बढ़ते हैं कोट। कोट लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर है को, कॉक उर्दू में कहते हैं, काफ को बनाने के लिए पेश लगाकर और वाव जोड़ दीजिए। उसके बाद से ट है, टॉक उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए मैं फटाफट लिख रही हूँ तो राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा होगा, बट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो काफ का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, और काफ के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है काफ में आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो काफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर को, और टे जिस तरह लिखा है उसी तरह ले जाकर चिपका दीजिए। तो ये हो गया आप लोग का कोट। आगे बढ़ते हैं घोड़ा। जिस तरह जी से ज और जी में एच यानी कि है जोड़ देते हैं, जी एच से घ, उसी तरह उर्दू में गाफ से ग और गाफ में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा घ, घ, लेकिन इसको घो बनाने के लिए घ के ऊपर पेश लगाकर और इसमें वाव जोड़ देंगे, तो घो हो जाएगा। उसके बाद से ड़ा है, ड़ा को उर्दू में रे कहते हैं, ड़ा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिस तरह ये घ लिखा है ना उसी तरह आप लोग को ऐसे लिख देना है, ठीक। और घ के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है उसको ले जाकर घ में जोड़ दीजिए। तो घ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो जाएगा घो, और ये जो ड है रे उसी तरह लिख दीजिए, और रे में अलिफ जोड़ दीजिए, ड़ा हो जाएगा। तो घो ओड़ा, घोड़ा, देखिए इस तरह घोड़ा लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं छोटा। छोटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, छो है, छो को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह सी एच से छ और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं, सी डबल एच से छ, उसी तरह उर्दू में चे से च होता है, ये आप लोगों का चे, चे से च, और इसी चे का आधा भाग ऐसे मिटाकर और इसमें एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है छ। और इसको छो बनाने के लिए इसी छ के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ दीजिए। टा है, टॉ उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं, टा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। जिस तरह ये छ लिखा है उसी तरह लिखिए, ठीक है। और छ के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है छ में ऐसे जाकर जुड़ जाएगा। तो छ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर छो, और टे का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है और टे में अलिफ जोड़ देना है, टा हो जाएगा। तो छो और टा, छोटा। आगे बढ़ते हैं लोटा। जिस तरह छोटा लिखे उस तरह लोटा लिखेंगे। लो है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, लो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। टा है, टॉ को उर्दू में क्या कहते हैं, टे कहते हैं, टा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, ठीक है। और लाम का आप लोग को आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और लाम में वाव जोड़ देना है, ऊपर तो पेश है ही है। तो लाम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर लो, और टे का आधा भाग और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए, टे में अलिफ जोड़कर टा, ठीक है। तो लो और टा, लोटा। आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी शब्दों को अब और भी ज़्यादा इससे भी फास्ट करेंगे हम लोग। मोर, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मुँह बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, मुँह हो जाएगा। उसके बाद से रह है, रह उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, मीम का आधा भाग ऐसे और इसी में वाव जोड़ दीजिए, ठीक। और ऊपर पेश है तो मीम के ऊपर पेश और वाव जोड़कर मुँह और लास्ट में रे, मोर हो गया। आगे बढ़ते हैं मोल। मीम कहते हैं माँ को, और मुँह बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, मुँह हो जाएगा। उसके बाद से ला है, ला उर्दू में लाम कहते हैं। मीम का बिंदु वाला भाग उठा लीजिए ऐसे, और इसी में वाव जोड़ दी, ऊपर पेश है। तो ये हो गया आप लोग का मुँह और लाम से ला, मोल। आगे बढ़ते हैं नाचो। ना, ना है, ना उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। नून में अलिफ जोड़ दीजिए, ना हो जाएगा। उसके बाद से चो है, चौक उर्दू में क्या कहते हैं, चे कहते हैं। चे से च हो गया, चो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, ठीक। नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे सबको जोड़ने के लिए, और इसी में अलिफ जोड़ दीजिए, ना हो गया। और चे का आधा भाग ऐसे उठाकर, और चे के ऊपर तो पेश ही है, बस ये वाव जुड़ जाएगा। तो चे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर चो, तो ना और चो, नाचो, इस तरह लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहला अक्षर क्या है, जिस तरह घोड़ा लिखे ना उसी तरह थोड़ा लिखेंगे, बस यहाँ पर थो आ गया है। थो उर्दू में, अभी मैं बताई ना, इधर ही कहीं बताई होंगी, ये थो उर्दू में इस तरह लिखा जाता है,
तो इस तरह लिख दीजिए, ये हो गया था। लेकिन यहाँ पर थो है, थो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर इसमें वाव जोड़ दीजिए, थो हो जाएगा। उसके बाद टेढ़ा है, रक उर्दू मेढ़े कहते हैं, हेड़ा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ दे रहे हैं आप लोग को, जिस तरह ये था लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। थ के ऊपर क्या है, पेश है, हम लोग मन में मान रहे हैं, बस ये जो वाव है इसी में आकर जुड़ जाएगा। थ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर थो, और जिस तरह रे लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, अड़ा बना दीजिए, थोड़ा थो अड़ा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं होली, होली में सबसे पहला अक्षर क्या है, हो। हाँ उर्दू में हे कहते हैं, और हो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए, हो जाएगा हो। और उसके बाद से ली है, लाख उर्दू में लाम कहते हैं, और ली में बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो लाम के नीचे जेर लगाकर छोटी जोड़ दीजिए, बड़ी वाली ली की मात्रा में बदल जाएगा। अभी आप लोग जानते हैं, है अपना शक्ल दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसे रूप ले लेती है, और हे के ऊपर क्या है, पेश है, बस इसमें वाव जोड़ दीजिए। तो हे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर हो, और लाम का आप लोगों को आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और लाम के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो छोटी है इसी लाम में आकर ऐसे जुड़ जाएगी। तो लाम के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर ली, हो और ली, होली। आगे बढ़ते हैं जोर, सबसे पहला अक्षर क्या है, जो। जो को उर्दू में जे कहते हैं, देखिए बिंदु वाला ज है इसीलिए इसको उर्दू में जे कहते हैं। जे से ज हो गया, जो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिस तरह जे लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, जे के ऊपर पेश है, बस ये वाव ले जाकर जे में चिपका दीजिए, ठीक। तो जो हो गया, उसके बाद से र, जोर। आगे बढ़ते हैं गोभी, गोभी में सबसे पहला अक्षर क्या है, गो। गा को उर्दू में गाफ कहते हैं, उसके बाद से गो बनाने के लिए गाफ के ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए, गो हो जाएगा। उसके बाद से भी है, भा को उर्दू में क्या कहते हैं, जिस तरह बी से बा, बी एच से बा, उसी तरह उर्दू में बे से बा, और इसी बे का आधा भाग मिटाकर ऐसे इसमें एच जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का भा, ठीक है। और भी है ना, तो भा के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो बड़ी वाली भी की मात्रा ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक। तो इन सबको आप जोड़िए फटाफट। गाफ का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है, गाफ के ऊपर क्या है, पेश है, बस ये जो वाव है जाकर जुड़ जाएगा। तो गाफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर गो हो गया, और भ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखिए, भ के नीचे क्या है, जेर है, बस ये जो छोटी है अपना शक्ल चेंज करके आकर इसी भ में जुड़ जाएगी। तो भ के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर भी, गो और भी, गो भी। आगे बढ़ते हैं रोज़, रॉक उर्दू में रे कहते हैं, रो बनाने के लिए ऊपर पेश लगा कर वाव जोड़ दीजिए, उसके बाद से नीचे बिंदु वाला ज है ना, तो इसको जे कहेंगे, ठीक। अब ये आप लोग तो अभी लिखकर बताइए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखे ऊपर पेश और जुड़ करो, और जैसे रोज। आगे बढ़ते हैं भागो, भागो में सबसे पहला अक्षर क्या है, भ। भा है ना, भा कैसे लिखा जाता है अभी मैं आप लोग को यहाँ पर बताई। तो ये हो गया आप लोग का भ, भा बनाने के लिए इसी में अलिफ जोड़ दीजिए। उसके बाद से गो है, गो को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, और गो बनाने के लिए, गाफ से तो गा हो गया, गो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, जिस तरह भ लिखा है उसी तरह लिख दीजिए ऐसे, और इसको भा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए ना ऐसे, तो भा हो गया। उसके बाद से गाफ का आप लोग को आधा भाग ऐसे उठा लेना है, और गाफ में ऐसे वाव जोड़ देंगे, ऊपर तो पेश ही है, तो गाफ के ऊपर पेश और वाव जुड़कर गो, भा और गो, भागो। आगे बढ़ते हैं तोड़, सबसे पहला अक्षर क्या है, तो। तो को उर्दू में ते कहते हैं, और तो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, हड़ा हेड़ा को उर्दू में अड़े कहते हैं, बस बात खत्म। इनको जोड़ देना है, ते का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और उसमें वाव जोड़ दीजिए, ऊपर तो पेश ही है, ते के ऊपर पेश और वाव जुड़कर तो, और ये हो गया आप लोगों का अड़ा तोड़, ठीक। आगे बढ़ते हैं रोना, सबसे पहला अक्षर है रो, रा को उर्दू में रे कहते हैं, और इसको रो बनाने के लिए ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए। ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, जिस तरह रे लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, रे के ऊपर क्या है, पेश है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए। तो रे के ऊपर पेश और वाव जुड़कर रो, और फिर उसके बाद से नून का आधा भाग ऐसे आप लोग को उठा लेना है, और अलिफ जोड़ देना है ना, तो रो और ना, रोना। आगे बढ़ते हैं तोता, ते से ता होता है, उसके बाद से तो बनाने के लिए इसके ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दीजिए, फिर ता है, ते से ता, और इसको ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए। जिस तरह ते लिखा है इसका आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और ते के ऊपर क्या है, अच्छा से एक मिनट, हाँ, तो ये हो गया आप लोगों का ते का आधा भाग, ते के ऊपर पेश है, बस इसमें वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, ते के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये हो जाएगा तो, और ते का फिर से आधा भाग उठा लीजिए ये वाले ते का, और इसी में अलिफ जोड़ दीजिए ऐसे, तो ते में अलिफ जोड़ करता है तू और ता तोता। आगे बढ़ते हैं गाँव, गाँव वाला नहीं, विलेज नहीं, गाँव, यानी कि गाँव, गाना गाओ वो वाला है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला अक्षर क्या है, गा। गा को उर्दू में गाफ कहते हैं, गाफ से गा हो गया, गा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, और ओ है ना, तो अभी मैं आप लोगों को बताई कि अलिफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दो तो ये ओ पढ़ा जाता है, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ वाव के ऊपर ये हमजा लगा देंगे ना तो ये ओ हो जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अलिफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है तो भी ये ओ पढ़ा जाता है, और वाव के ऊपर इस तरह हमजा लगा दिया जाता है ना तो भी ये ओ पढ़ा जाता है, इसको भी आप लोग ओ पढ़ेंगे, इसको भी ओ पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर गाओ लास्ट में डायरेक्ट ओ आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ये वाले ओ का, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वाव के ऊपर हमजा लगा देंगे तो ये ओ आ जा रहा है, हम लोग इसलिए ये लगा रहे हैं ना क्योंकि लास्ट में डायरेक्ट ओ आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भागों में गो आ रहा था ना, इसमें डायरेक्ट ओ नहीं आ रहा था,
क्या था, लास्ट में अक्षर था गो, ग आ रहा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट ओ आ जा रहा है, इसीलिए वाव के ऊपर हम लोग हमजा लगा रहे हैं। ठीक, उसके बाद से अब इन सबको जोड़ देना है। गाफ का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है ऐसे, और गाफ, एक मिनट रुक जाइए, गाफ का ये आधा भाग उठाएंगे ना, तो ये जो गाफ है ये सीधा वाला भाग, इसका ये कर्व हो जाएगा ऐसे। ठीक, और गाफ में ये जो है ना गाफ हो गया, और गाफ में ये अलिफ ऐसे जुड़ जाएगा, तो गाफ में अलिफ जुड़कर गा हो गया, और उसके बाद से ये जो वाव है इसके ऊपर हमजा इस तरह लग जाएगा, तो वाव के ऊपर हमजा जुड़कर ओ, तो गा और ओ, गाओ। उसी तरह लाओ भी लिखेंगे, लाम सबसे पहला अक्षर क्या है, ला, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, ला, लाम से तो ला हो गया, ला बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, और ओ है तो ओ लिखने के लिए इसी तरह उर्दू में लिखेंगे, वाव के ऊपर हमजा लगा देंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, लाम का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है, और इसी में अलिफ जोड़ देंगे ऐसे तो ला हो जाएगा, और ये हम वाव के ऊपर हमजा लगा दीजिए तो ओ, तो ला और ओ, लाओ। ठीक, उसी तरह आओ लिखना है, तो आ कैसे लिखा जाता है, अलिफ के ऊपर मद लगा दिया जाता है तो आ हो गया, उसके बाद से ओ, तो ओ तो मैं अभी बताई ना, डायरेक्ट लास्ट में ओ रहता है, तो वाव के ऊपर हमजा लगा दिया जाता है तो ओ हो जाता है। तो देखिए, अलिफ के ऊपर मद जुड़कर आ, और वाव के ऊपर हमजा जुड़कर ओ, तो आओ, इस तरह आओ लिखा जाता है। तो गाओ, लाओ, खाओ, ये सब में क्या रहेगा, लास्ट में वाव के ऊपर हमजा रहेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को दो अक्षर से बने ओ मात्रा वाले इतने सारे शब्दों को लिखना और पढ़ना आ गया होगा, और किसी भी अक्षर को कैसे ओ की मात्रा में बदला जाता है ये आप लोगों को बदलना भी आ गया होगा। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई, समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ शेयर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।